মানে সাইডটা সাদা সাদা ইয়ে কি হো তারিখে সেটা বলে কই সাউন্ড দিব
Thank you.
है। जो भी नए फ्रेंड्स, नए दोस्त, नए भाई हमारे साथ जुड़े हैं, फौरी तौर पर वीडियो को लाइक करें अगर वो चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान की टीम जीत जाए। और वरन आप चैट बॉक्स में AUS यानी ऑस्ट्रेलिया लिख सकते हैं अगर आप चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत। तो ये आप पर है कि आप किस टीम को वोट करना चाहते हैं, किस टीम को नहीं वोट करना चाहते। तो अगर आप एशियाई टीम को वोट करना चाहते हैं, अफ़गानिस्तान की टीम को वोट करना चाहते हैं, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया को वोट करना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में AUS ऑस्ट्रेलिया लिखेंगे। तो ये आप पर है किस टीम को वोट करना चाहते हैं। ये मैच फिफ्थ पोजीशन के लिए, क्योंकि क्वार्टर फाइनल के मरहले ख़त्म हो चुके हैं। सेमीफाइनल में चार टीमें ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी हैं, जिनके मैचेस मंगल और जुमरात के दिन बिलतरतीब खेले जाएंगे। मंगल के दिन जो मैच होगा वो पाकिस्तान का मुकाबला होगा इंडिया के साथ, और जो जुमरात को मैच होगा उसमें मुकाबला होगा अपना देश का न्यूज़ीलैंड के साथ। सो ये मुकाबले तो मुकम्मल तौर पर तय हैं। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे मुकाबलों की, जो कि फिफ्थ पोजीशन या सिक्स पोजीशन के लिए खेले जाते हैं, ख़ासकर फिफ्थ पोजीशन के लिए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए एक और मैच भी हुआ था साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ का, जिसमें साउथ अफ्रीका हार चुकी थी और वेस्ट इंडीज़ जीती थी, फाइनल में पहुंची थी फिफ्थ पोजीशन के लिए। और आज ऑस्ट्रेलिया और अफ़गानिस्तान का मैच होगा। ये वो टीमें हैं जो क्वार्टर फाइनल में तो गई थी, लेकिन सेमीफाइनल तक रसाई हासिल नहीं कर पाई थी। तो अगर आप अपनी फेवरेट टीम को वोट करना चाहते हैं तो उसका तरीका आपके सामने है। अगर आप अफ़गानिस्तान की टीम को वोट करना चाहते हैं तो आपने वीडियो को लाइक करना होगा। और अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम को वोट करना चाहते हैं आप, तो आपने चैट बॉक्स में AUS या ऑस्ट्रेलिया लिखना होगा। तो बहुत सिंपल है। और ये वोटिंग सिस्टम क्यों किया जाता है, ताकि आप अपनी फेवरेट टीम को वोट करें, आपकी फेवरेट टीम को दुआ जाए। और जितनी ज़्यादा दुआएं होंगी आपकी, अपनी फेवरेट टीम को जितने ज़्यादा वोट होंगे उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं उस टीम के जीतने के लिए। अफ़गानिस्तान की टीम काफ़ी स्ट्रगलिंग टीम है, स्ट्रगल करते हुए आगे आई है। और बिल्कुल जिसे आप कहते हैं कि ज़ीरो से उठकर ऊपर आना, तो उसकी मिसाल अफ़गानिस्तान की टीम है। मुकम्मल तौर पर ज़ीरो से उठकर आगे आई और कमाल कर दिखाया उसने, और इंग्लैंड जैसी टीम को बाहर कर दिया और श्रीलंका जैसी टीम को क्वार्टर फाइनल से बाहर कर दिया। तो बहुत बड़ी बात है कि अफ़गानिस्तान की टीम ने बड़ी बड़ी टीमों को बाहर कर दिया। एक वक्त था जब अफ़गानिस्तान की टीम को एसोसिएट टीम कहा जाता था, और कहा जाता था कि वो टॉप 10 में भी आना काफ़ी मुश्किल, लेकिन अब वो टॉप 8 में आ रहे हैं। और अब अगर ये मैच ऑस्ट्रेलिया से अफ़गानिस्तान की टीम जीत जाती है तो वो फाइनल खेलेगी वेस्ट इंडीज़ के साथ फिफ्थ पोजीशन के लिए। और फिफ्थ पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। जब आप सेमी फाइनल्स की जो टॉप 4 टीमें हैं उससे ऊपर जब आप होते हैं, तो पहली टीम फिफ्थ पोजीशन की, वो क्वार्टर फाइनल की, वो अफ़गानिस्तान की होगी। और क्या पता आप अगले वर्ल्ड कप में मज़ीद इम्प्रूव कर जाएँ। तो रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है ICC के इवेंट्स में। रैंकिंग से ही डिफाइन होता है कि आपने इस पूरे टूर्नामेंट में कैसी परफॉर्मेंस की है, और उस परफॉर्मेंस की बेस पर आपकी कौन सी रैंकिंग आई है। तो इस वक्त जारी है मैच ऑस्ट्रेलिया और अफ़गानिस्तान का, और इस मैच में अगर आप वोट करना चाहते हैं अफ़गानिस्तान की टीम को, तो आपने फौरी तौर पर वीडियो को लाइक करना होगा। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की टीम को वोट करना चाहते हैं तो आपने चैट बॉक्स में AUS यानी ऑस्ट्रेलिया लिखना होगा, तो आपका वोट ऑटोमेटिकली ऑस्ट्रेलिया की टीम को चला जाएगा। सो अब ये आप पर है कि आप किस टीम को सपोर्ट करते हैं, किस टीम को वोट करते हैं। सो फौरी तौर पर वोट करें आप। जहाँ तक बात है अफ़गानिस्तान की किस्मत की, तो क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान ने उनकी किस्मत मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दी थी और बिल्कुल हिलने नहीं दिया था, और 199 रन पर सिमट गए थे अफगानिस्तान की टीम क्वार्टर फाइनल में। और पाकिस्तानी टीम ने ये स्कोर बासानी चेस किया था। हालांकि देखा जाए तो अफगानिस्तान की टीम ने ग्रुप स्टेज में अपने सारे मैचेस जीते थे अपने स्पिन अटैक की वजह से, कि वो 230-240 बना लेते थे, फिर उनका स्पिन अटैक मुकम्मल तौर पर तबाह कर देता था अपोनेंट टीम को। लेकिन पाकिस्तान ने चूंकि 200 से ऊपर इनको बनाने नहीं दिया, 190 किससे भी नीचे रखा, तो पाकिस्तान के पास चांसेस बढ़ गए इनको जेर करने के, और पाकिस्तान ने इनको मुकम्मल तौर पर जेर कर दिया। इससे पहले भी जब नेशनल टीमों की बात करें पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, तो उसमें भी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने उनको हराया था। तो क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान से हारने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया के साथ ये फिफ्थ पोजीशन के लिए अफगानिस्तान की टीम खेल रही है। स्ट्रगलिंग टीम है, मेहनत करके आई है, मेरिट पर आई है और मेरिट पर खेल रही है। क्वार्टर फाइनल तक रसाई हासिल की, अब उसके बाद अगर इसको पांचवी या छठी पोजीशन मिल जाती है तो मैं समझता हूँ ICC वर्ल्ड में ये पैसा वसूल बात होगी। जितने भी नए फ्रेंड्स, नए साथी, नए दोस्त, नए भाई हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हें मैं बता दूँ अगर वोटिंग सिस्टम करना चाहते हैं, अगर आप वोट करना चाहते हैं अपनी फेवरेट टीम को, तो बहुत ही आसान है वोट करना। अगर आपने अफगानिस्तान को वोट करना है तो आपने वीडियो को लाइक करना होगा,
और अगर आपने एस्ट्रोलिया को वोट करना है तो चैट बॉक्स में आके AUS या एस्ट्रोलिया लिखना होगा, आपका वोट ऑटोमेटिकली एस्ट्रोलिया को भी चला जाएगा। अभी आप पर है कि आप किसको वोट करते हैं। अफगानिस्तान अंडर 19 का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के साथ जारी है। अफगानिस्तान अंडर 19 ने आज टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है। देखना ये होगा कि ये मैच आगे कैसे बढ़ता है और ऑस्ट्रेलिया कैच को जीत पाता है या नहीं, या फिर अफगानिस्तान जीत पाता है। जो भी नए फ्रेंड्स, नए दोस्त, नए भाई हमारे साथ जुड़े हैं, फौरी तौर पर वीडियो को लाइक करें अगर वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान की टीम जीत जाए। और वरन आप चैट बॉक्स में AUS यानी ऑस्ट्रेलिया लिख सकते हैं अगर आप चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम जाए। तो ये आप पर है कि आप किस टीम को वोट करना चाहते हैं, किस टीम को नहीं वोट करना चाहते। तो अगर आप एशियाई टीम को वोट करना चाहते हैं, अफगानिस्तान की टीम को वोट करना चाहते हैं, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया को वोट करना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में AUS ऑस्ट्रेलिया लिखेंगे। तो ये आप पर है किस टीम को वोट करना चाहते हैं। ये मैच फिफ्थ पोजीशन के लिए, क्योंकि क्वार्टर फाइनल के मरहले ख़त्म हो चुके हैं। सेमीफाइनल में चार टीमें ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी हैं, जिनके मैचेस मंगल और जुमरात के दिन बिलतरतीब खेले जाएंगे। मंगल के दिन जो मैच होगा वो पाकिस्तान का मुकाबला होगा इंडिया के साथ, और जो जुमरात को मैच होगा उसमें मुकाबला होगा अपना देश का न्यूजीलैंड के साथ। सो ये मुकाबले तो मुकम्मल तौर पर तय हैं, लेकिन अगर हम बात करें दूसरे मुकाबलों की जो कि फिफ्थ पोजीशन या सिक्स पोजीशन के लिए खेले जाते हैं, खासकर फिफ्थ पोजीशन के लिए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए एक और मैच भी हुआ था साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ का, जिसमें साउथ अफ्रीका हार चुकी थी और वेस्ट इंडीज़ जीती थी, फाइनल में पहुंची थी फिफ्थ पोजीशन के लिए। और आज ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का मैच होगा। ये वो टीमें हैं जो क्वार्टर फाइनल में तो गई थी, लेकिन सेमीफाइनल तक रसाई हासिल नहीं कर पाई थी। तो अगर आप अपनी फेवरेट टीम को वोट करना चाहते हैं तो उसका तरीका आपके सामने है। अगर आप अफगानिस्तान की टीम को वोट करना चाहते हैं तो आपने वीडियो को लाइक करना होगा, और अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम को वोट करना चाहते हैं आप, तो आपने चैट बॉक्स में AUS या ऑस्ट्रेलिया लिखना होगा। तो बहुत सिंपल है। और ये वोटिंग सिस्टम क्यों किया जाता है, ताकि आप अपनी फेवरेट टीम को वोट करें, आपकी फेवरेट टीम को दुआ जाए, और जितनी ज़्यादा दुआएँ होंगी आपकी, अपनी फेवरेट टीम को जितने ज़्यादा वोट होंगे उतने ज़्यादा चांसेज होते हैं उस टीम के जीतने के लिए। अफगानिस्तान की टीम काफ़ी स्ट्रगलिंग टीम है, स्ट्रगल करते हुए आगे आई है, और बिल्कुल जिसे आप कहते हैं कि ज़ीरो से उठकर ऊपर आना, तो उसकी मिसाल अफगानिस्तान की टीम है। मुकम्मल तौर पर ज़ीरो से उठकर आगे आई और कमाल कर दिखाया उसने, और इंग्लैंड जैसी टीम को बाहर कर दिया और श्रीलंका जैसी टीम को क्वार्टर फाइनल से बाहर कर दिया। तो बहुत बड़ी बात है कि अफगानिस्तान की टीम ने बड़ी बड़ी टीमों को बाहर कर दिया। एक वक्त था जब अफगानिस्तान की टीम को एसोसिएट टीम कहा जाता था, और कहा जाता था कि वो टॉप 10 में भी आना काफ़ी मुश्किल, लेकिन अब वो टॉप 8 में आ रहे हैं। और अब अगर ये मैच ऑस्ट्रेलिया से अफगानिस्तान की टीम जीत जाती है तो वो फाइनल खेलेगी वेस्ट इंडीज़ के साथ फिफ्थ पोजीशन के लिए, और फिफ्थ पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। जब आप सेमीफाइनल्स की जो टॉप 4 टीमें हैं उससे ऊपर जब आप होते हैं, तो पहली पहली टीम फिफ्थ पोजीशन की वो क्वार्टर फाइनल की वो अफगानिस्तान की होगी। और क्या पता आप अगले वर्ल्ड कप में मजीद इम्प्रूव कर जाएं। तो रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है ICC के इवेंट्स में। रैंकिंग से ही डिफाइन होता है कि आपने इस पूरे टूर्नामेंट में कैसी परफॉर्मेंस की है, और उस परफॉर्मेंस की बेस पर आपकी कौन सी रैंकिंग आई है। तो इस वक्त जारी है मैच ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का, और इस मैच में अगर आप वोट करना चाहते हैं अफगानिस्तान की टीम को, तो आपने फौरी तौर पर वीडियो को लाइक करना होगा। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की टीम को वोट करना चाहते हैं तो आपने चैट बॉक्स में AUS यानी ऑस्ट्रेलिया लिखना होगा, तो आपका वोट ऑटोमेटिकली ऑस्ट्रेलिया की टीम को चला जाएगा। सो अब ये आप पर है कि आप किस टीम को सपोर्ट करते हैं, किस टीम को वोट करते हैं। सो फौरी तौर पर वोट करें आप। जहाँ तक बात है अफगानिस्तान की किस्मत की, तो क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान ने उनकी किस्मत मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दी थी और बिल्कुल हिलने नहीं दिया था, और 199 रन पर सिमट गए थे अफगानिस्तान की टीम क्वार्टर फाइनल में, और पाकिस्तानी टीम ने ये स्कोर बासानी चेस किया था। हालांकि देखा जाए तो अफगानिस्तान की टीम ने ग्रुप स्टेजेस में अपने सारे मैचेस जीते थे अपने स्पिन अटैक की वजह से, कि वो 230 240 बना लेते थे और फिर उनका स्पिन अटैक मुकम्मल तौर पर तबाह कर देते थे अपोनेंट टीम को। लेकिन पाकिस्तान ने चूँकि 200 से ऊपर रन को बनाने नहीं दिया, 190 किससे भी नीचे रखा, तो पाकिस्तान के पास चांसेस बढ़ गए इनको जेर करने के, और पाकिस्तान ने इनको मुकम्मल तौर पर जेर कर दिया। इससे पहले भी जब नेशनल टीमों की बात करें पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, तो उसमें भी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने इनको हराया था। तो क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान से हारने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया के साथ ये फिफ्थ पोजीशन के लिए अफगानिस्तान की टीम खेल रही है।
स्ट्रगलिंग टीम है, मेहनत करके आई है, मेरिट पर आई है और मेरिट पर खेल रही है, क्वार्टर फाइनल तक रसाई हासिल की। अब उसके बाद अगर इसको पांचवी या छठी पोजीशन मिल जाती है तो मैं समझता हूँ आईसीसी वर्ल्ड में ये पैसा वसूल बात होगी। जितने भी नए फ्रेंड्स, नए साथी, नए दोस्त, नए भाई हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हें बता दो अगर वोटिंग सिस्टम करना चाहते हैं, अगर आप वोट करना चाहते हैं अपनी फेवरेट टीम को तो बहुत ही आसान है वोट करना। अगर आपने अफगानिस्तान को वोट करना है तो अपने वीडियो को लाइक करना होगा, और अगर आपने ऑस्ट्रेलिया को वोट करना है तो चैट बॉक्स में आके AUS ऑस्ट्रेलिया लिखना होगा, आपका वोट ऑटोमेटिकली ऑस्ट्रेलिया को भी चला जाएगा। अभी आप पर है कि आप किसको वोट करते हैं। अफगानिस्तान अंडर 19 का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के साथ जारी है। अफगानिस्तान अंडर 19 ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है। देखना ये होगा कि ये मैच आगे कैसे बढ़ता है और ऑस्ट्रेलिया क्या इसको जीत पाता है या नहीं, या फिर अफगानिस्तान जीत पाता है। जो भी नए फ्रेंड्स, नए दोस्त, नए भाई हमारे साथ जुड़े हैं, फौरी तौर पर वीडियो को लाइक करें अगर वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान की टीम जीत जाए, और वरन आप चैट बॉक्स में AUS ऑस्ट्रेलिया लिख सकते हैं अगर आप चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम जाए। तो ये आप पर है कि आप किस टीम को वोट करना चाहते हैं, किस टीम को नहीं वोट करना चाहते। तो अगर आप एशियाई टीम को वोट करना चाहते हैं, अफगानिस्तान की टीम को वोट करना चाहते हैं तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर आप ऑस्ट्रेलिया को वोट करना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में AUS ऑस्ट्रेलिया लिखेंगे तो ये आप पर है किस टीम को वोट करना चाहते हैं। ये मैच फिफ्थ पोजीशन के लिए, क्योंकि क्वार्टर फाइनल के मरहले ख़त्म हो चुके हैं, सेमीफाइनल में चार टीमें ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी हैं जिनके मैचेस मंगल और जुमरात के दिन बिलतरतीब खेले जाएंगे। मंगल के दिन जो मैच होगा वो पाकिस्तान का मुकाबला होगा इंडिया के साथ, और जो जुमरात को मैच होगा उसमें मुकाबला होगा अपना देश का न्यूजीलैंड के साथ। सो ये मुकाबले तो मुकम्मल तौर पर तय हैं, लेकिन अगर हम बात करें दूसरे मुकाबलों की जो कि फिफ्थ पोजीशन या सिक्स पोजीशन के लिए खेले जाते हैं, खासकर फिफ्थ पोजीशन के लिए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए एक और मैच भी हुआ था साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ का, जिसमें साउथ अफ्रीका हार चुकी थी और वेस्ट इंडीज़ जीती थी, फाइनल में पहुंची थी फिफ्थ पोजीशन के लिए, और आज ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का मैच होगा। ये वो टीमें हैं जो क्वार्टर फाइनल में तो गई थी लेकिन सेमीफाइनल तक रसाई हासिल नहीं कर पाई थी। तो अगर आप अपनी फेवरेट टीम को वोट करना चाहते हैं तो उसका तरीका आपके सामने है। अगर आप अफगानिस्तान की टीम को वोट करना चाहते हैं तो आपने वीडियो को लाइक करना होगा, और अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम को वोट करना चाहते हैं आप तो आपने चैट बॉक्स में AUS ऑस्ट्रेलिया लिखना होगा। तो बहुत सिंपल है, और ये वोटिंग सिस्टम क्यों किया जाता है, ताकि आप अपनी फेवरेट टीम को वोट करें, आपकी फेवरेट टीम को दुआ जाए, और जितनी ज़्यादा दुआएँ होंगी आपकी अपनी फेवरेट टीम को, जितने ज़्यादा वोट होंगे उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं उस टीम के जीतने के लिए। अफगानिस्तान की टीम काफ़ी स्ट्रगलिंग टीम है, स्ट्रगल करते हुए आगे आई है, और बिल्कुल जिसे आप कहते हैं कि ज़ीरो से उठकर ऊपर आना, तो उसकी मिसाल अफगानिस्तान की टीम है। मुकम्मल तौर पर ज़ीरो से उठकर आगे आई और कमाल कर दिखाया उसने, और इंग्लैंड जैसी टीम को बाहर कर दिया और श्रीलंका जैसी टीम को क्वार्टर फाइनल से बाहर कर दिया। तो बहुत बड़ी बात है कि अफगानिस्तान की टीम ने बड़ी बड़ी टीमों को बाहर कर दिया। एक वक्त था जब अफगानिस्तान की टीम को एसोसिएट टीम कहा जाता था, और कहा जाता था कि वो टॉप 10 में भी आना काफ़ी मुश्किल, लेकिन अब वो टॉप 8 में आ रहे हैं। और अब अगर ये मैच ऑस्ट्रेलिया से अफगानिस्तान की टीम जीत जाती है तो वो फाइनल खेलेगी वेस्ट इंडीज़ के साथ फिफ्थ पोजीशन के लिए, और फिफ्थ पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। जब आप सेमीफाइनल्स की जो टॉप 4 टीमें हैं उससे ऊपर जब आप होते हैं तो पहली टीम फिफ्थ पोजीशन की, वो क्वार्टर फाइनल की, वो अफगानिस्तान की होगी, और क्या पता आप अगले वर्ल्ड कप में मज़ीद इम्प्रूव कर जाएं। तो रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है ICC के इवेंट्स में, रैंकिंग से ही डिफाइन होता है कि आपने इस पूरे टूर्नामेंट में कैसी परफॉर्मेंस की है, और उस परफॉर्मेंस की बेस पर आपकी कौन सी रैंकिंग आई है। तो इस वक्त जारी है मैच ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का, और इस मैच में अगर आप वोट करना चाहते हैं अफगानिस्तान की टीम को तो आपने फौरी तौर पर वीडियो को लाइक करना होगा, अगर आप ऑस्ट्रेलिया की टीम को वोट करना चाहते हैं तो आपने चैट बॉक्स में AUS यानी ऑस्ट्रेलिया लिखना होगा, तो आपका वोट ऑटोमेटिकली ऑस्ट्रेलिया की टीम को चला जाएगा। सो अब ये आप पर है कि आप किस टीम को सपोर्ट करते हैं, किस टीम को वोट करते हैं। सो फौरी तौर पर वोट करें आप। जहाँ तक बात है अफगानिस्तान की किस्मत की, तो क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान ने उनकी किस्मत मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दी थी और बिल्कुल हिलने नहीं दिया था, और 199 रन पर सिमट गए थे अफगानिस्तान की टीम क्वार्टर फाइनल में, और पाकिस्तानी टीम ने ये स्कोर बआसानी चेस किया था। हालांकि देखा जाए तो अफगानिस्तान की टीम ने ग्रुप स्टेजेस में अपने सारे मैचेस जीते थे अपने स्पिन अटैक की वजह से, कि वो 230-240 बना लेते थे और फिर उनका स्पिन अटैक मुकम्मल तौर पर तबाह कर देता था अपोनेंट टीम को। लेकिन पाकिस्तान ने चूँकि 200 से ऊपर इनको बनाने नहीं दिया, 190 से भी नीचे रखा,
تو پاکستان کے پاس چانسز بڑھ گئے ان کو زیر کرنے کے، اور پاکستان نے ان کو مکمل طور پر زیر کر دیا۔ اس سے پہلے بھی جب نیشنل ٹیموں کی بات کریں پاکستان اور افغانستان کی، تو اس میں بھی ورلڈ کپ میں پاکستان نے ان کو ہرایا تھا۔ تو کوارٹر فائنل میں پاکستان سے ہارنے کے بعد اب آسٹریلیا کے ساتھ یہ ففتھ پوزیشن کے لیے افغانستان کی ٹیم کھیل رہی ہے۔ اسٹرگلنگ ٹیم ہے، محنت کر کے آئی ہے، میرٹ پر آئی ہے اور میرٹ پر کھیل رہی ہے، کوارٹر فائنل تک رسائی حاصل کی۔ اب اس کے بعد اگر اس کو پانچویں یا چھٹی پوزیشن مل جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں آئی سی سی ورلڈ میں یہ پیسہ وصول بات ہوگی۔ جتنے بھی نئے فرینڈز، نئے ساتھی، نئے دوست، نئے بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہیں، انہیں میں بتا دوں اگر ووٹنگ سسٹم کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ووٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی فیوریٹ ٹیم کو، تو بہت ہی آسان ہے ووٹ کرنا۔ اگر آپ نے افغانستان کو ووٹ کرنا ہے تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہوگا، اور اگر آپ نے آسٹریلیا کو ووٹ کرنا ہے تو چیٹ باکس میں آ کے اے یو ایس یا آسٹریلیا لکھنا ہوگا، آپ کا ووٹ آٹومیٹکلی آسٹریلیا کو بھی چلا جائے گا۔ ابھی آپ پر ہے کہ آپ کس کو ووٹ کرتے ہیں۔ افغانستان انڈر 19 کا مقابلہ آسٹریلیا انڈر 19 کے ساتھ جاری ہے۔ افغانستان انڈر 19 نے آج ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے، دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ میچ آگے کیسے بڑھتا ہے اور آسٹریلیا کیا اس کو جیت پاتا ہے یا نہیں، یا پھر افغانستان جیت پاتا ہے۔ جو بھی نئے فرینڈز، نئے دوست، نئے بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہیں، فوری طور پر ویڈیو کو لائک کریں اگر وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کی ٹیم جیت جائے، اور فوراً آپ چیٹ باکس میں اے یو ایس یعنی آسٹریلیا لکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں آسٹریلیا کی ٹیم جیت۔ تو یہ آپ پر ہے کہ آپ کس ٹیم کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں، کس ٹیم کو نہیں ووٹ کرنا چاہتے۔ تو اگر آپ ایشیائی ٹیم کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں، افغانستان کی ٹیم کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ویڈیو کو لائک کریں گے، اور اگر آپ آسٹریلیا کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں تو چیٹ باکس میں اے یو ایس یا آسٹریلیا لکھیں گے۔ تو یہ آپ پر ہے کس ٹیم کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ میچ ففتھ پوزیشن کے لیے، کیونکہ کوارٹر فائنل کے مرحلے ختم ہو چکے ہیں، سیمی فائنل میں چار ٹیمیں آلریڈی ڈیسائڈ ہو چکی ہیں، جن کے میچز منگل اور جمعرات کے دن بالترتیب کھیلے جائیں گے۔ منگل کے دن جو میچ ہوگا وہ پاکستان کا مقابلہ ہوگا انڈیا کے ساتھ، اور جو جمعرات کو میچ ہوگا اس میں مقابلہ ہوگا اپنا دیش کا نیوزی لینڈ کے ساتھ۔ سو یہ مقابلے تو مکمل طور پر طے ہیں، لیکن اگر ہم بات کریں دوسرے مقابلوں کی جو کہ ففتھ پوزیشن یا سکس پوزیشن کے لیے کھیلے جاتے ہیں، خاص کر ففتھ پوزیشن کے لیے، اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے لیے ایک اور میچ بھی ہوا تھا ساؤتھ افریقہ اور ویسٹ انڈیز کا، جس میں ساؤتھ افریقہ ہار چکی تھی اور ویسٹ انڈیز جیتی تھی، فائنل میں پہنچی تھی ففتھ پوزیشن کے لیے، اور آج آسٹریلیا اور افغانستان کا میچ ہوگا۔ یہ وہ ٹیمیں ہیں جو کوارٹر فائنل میں تو گئی تھی لیکن سیمی فائنل تک رسائی حاصل نہیں کر پائی تھی۔ تو اگر آپ اپنی فیوریٹ ٹیم کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر آپ افغانستان کی ٹیم کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہوگا، اور اگر آسٹریلیا کی ٹیم کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں آپ، تو آپ نے چیٹ باکس میں اے یو ایس یا آسٹریلیا لکھنا ہوگا۔ تو بہت سمپل ہے۔ اور یہ ووٹنگ سسٹم کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ آپ اپنی فیوریٹ ٹیم کو ووٹ کریں، آپ کی فیوریٹ ٹیم کو دعا جائے، اور جتنی زیادہ دعائیں ہوں گی آپ کی، اپنی فیوریٹ ٹیم کو جتنے زیادہ ووٹ ہوں گے اتنے زیادہ چانسز ہوتے ہیں اس ٹیم کے جیتنے کے لیے۔ افغانستان کی ٹیم کافی اسٹرگلنگ ٹیم ہے، اسٹرگل کرتے ہوئے آگے آئی ہے، اور بالکل جسے آپ کہتے ہیں کہ زیرو سے اٹھ کر اوپر آنا، تو اس کی مثال افغانستان کی ٹیم ہے۔ مکمل طور پر زیرو سے اٹھ کر آگے آئی اور کمال کر دکھایا اس نے، اور انگلینڈ جیسی ٹیم کو باہر کر دیا اور سری لنکا جیسی ٹیم کو کوارٹر فائنل سے باہر کر دیا۔ تو بہت بڑی بات ہے کہ افغانستان کی ٹیم نے بڑی بڑی ٹیموں کو باہر کر دیا۔ ایک وقت تھا جب افغانستان کی ٹیم کو ایسوسی ایٹ ٹیم کہا جاتا تھا، اور کہا جاتا تھا کہ وہ ٹاپ ٹین میں بھی آنا کافی مشکل، لیکن اب وہ ٹاپ ایٹ میں آ رہے ہیں، اور اب اگر یہ میچ آسٹریلیا سے افغانستان کی ٹیم جیت جاتی ہے تو وہ فائنل کھیلے گی ویسٹ انڈیز کے ساتھ ففتھ پوزیشن کے لیے، اور ففتھ پوزیشن بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہے۔ جب آپ سیمی فائنلز کی جو ٹاپ فور ٹیمیں ہیں اس سے اوپر جب آپ ہوتے ہیں، تو پہلی ٹیم ففتھ پوزیشن کی، وہ کوارٹر فائنل کی، وہ افغانستان کی ہوگی، اور کیا پتا آپ اگلے ورلڈ کپ میں مزید امپروو کر جائیں۔ تو رینکنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے آئی سی سی کے ایونٹس میں، رینکنگ سے ہی ڈیفائن ہوتا ہے کہ آپ نے اس پورے ٹورنامنٹ میں کیسی پرفارمنس کی ہے، اور اس پرفارمنس کی بیس پر آپ کی کون سی رینکنگ آئی ہے۔ تو اس وقت جاری ہے میچ آسٹریلیا اور افغانستان کا، اور اس میچ میں اگر آپ ووٹ کرنا چاہتے ہیں افغانستان کی ٹیم کو، تو آپ نے فوری طور پر ویڈیو کو لائک کرنا ہوگا۔ اگر آپ آسٹریلیا کی ٹیم کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے چیٹ باکس میں اے یو ایس یعنی آسٹریلیا لکھنا ہوگا، تو آپ کا ووٹ آٹومیٹکلی آسٹریلیا کی ٹیم کو چلا جائے گا۔ سو اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کس ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں، کس ٹیم کو ووٹ کرتے ہیں۔ سو فوری طور پر ووٹ کریں آپ۔ جہاں تک بات ہے افغانستان کی قسمت کی، تو کوارٹر فائنل میں پاکستان نے ان کی قسمت مکمل طور پر تبدیل کر دی تھی، اور بالکل ہلنے نہیں دیا تھا، اور
199 रन पर सिमट गए थे अफगानिस्तान की टीम क्वार्टर फाइनल में, और पाकिस्तानी टीम ने ये स्कोर बआसानी चेस किया था। हालांकि देखा जाए तो अफगानिस्तान की टीम ने ग्रुप स्टेजेस में अपने सारे मैचेस जीते थे अपनी स्पिन अटैक की वजह से, कि वो 230 240 बना लेते थे और फिर उनका स्पिन अटैक मुकम्मल तौर पर तबाह कर देता था अपोनेंट टीम को। लेकिन पाकिस्तान ने चूँकि 200 से ऊपर इनको बनाने नहीं दिया, 190 किससे भी नीचे रखा, तो पाकिस्तान के पास चांसेस बढ़ गए इनको जेर करने के, और पाकिस्तान ने इनको मुकम्मल तौर पर जेर कर दिया। इससे पहले भी जब नेशनल टीमों की बात करें पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, तो उसमें भी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने इनको हराया था। तो क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान से हारने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया के साथ ये फिफ्थ पोजिशन के लिए अफगानिस्तान की टीम खेल रही है। स्ट्रगलिंग टीम है, मेहनत करके आई है, मेरिट पर आई है और मेरिट पर खेल रही है, क्वार्टर फाइनल तक रसाई हासिल की। अब उसके बाद अगर इसको पांचवी या छठी पोजीशन मिल जाती है तो मैं समझता हूँ आईसीसी वर्ल्ड में ये पैसा वसूल बात होगी। जितने भी नए फ्रेंड्स, नए साथी, नए दोस्त, नए भाई हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हें मैं बता दूँ अगर वोटिंग सिस्टम करना चाहते हैं, अगर आप वोट करना चाहते हैं अपनी फेवरेट टीम को, तो बहुत ही आसान है वोट करना। अगर आपने अफगानिस्तान को वोट करना है तो आपने वीडियो को लाइक करना होगा, और अगर आपने ऑस्ट्रेलिया को वोट करना है तो चैट बॉक्स में आके AUS ऑस्ट्रेलिया लिखना होगा, आपका वोट ऑटोमेटिकली ऑस्ट्रेलिया को भी चला जाएगा। अभी आप पर है कि आप किसको वोट करते हैं। अफगानिस्तान अंडर 19 का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के साथ जारी है। अफगानिस्तान अंडर 19 ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है। देखना ये होगा कि ये मैच आगे कैसे बढ़ता है और ऑस्ट्रेलिया क्या इसको जीत पाता है नहीं, या फिर अफगानिस्तान जीत पाता है। जो भी नए फ्रेंड्स, नए दोस्त, नए भाई हमारे साथ जुड़े हैं, फौरी तौर पर वीडियो को लाइक करें अगर वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान की टीम जीत जाए, और वरन आप चैट बॉक्स में AUS यानी ऑस्ट्रेलिया लिख सकते हैं अगर आप चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम जाए। तो ये आप पर है कि आप किस टीम को वोट करना चाहते हैं, किस टीम को नहीं वोट करना चाहते। तो अगर आप एशियाई टीम को वोट करना चाहते हैं, अफगानिस्तान की टीम को वोट करना चाहते हैं, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर आप ऑस्ट्रेलिया को वोट करना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में AUS या ऑस्ट्रेलिया लिखेंगे। तो ये आप पर है किस टीम को वोट करना चाहते हैं। ये मैच फिफ्थ पोजीशन के लिए, क्योंकि क्वार्टर फाइनल के मरहले ख़त्म हो चुके हैं, सेमीफाइनल में चार टीमें ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी हैं, जिनके मैचेस मंगल और जुमरात के दिन बिलतरतीब खेले जाएंगे। मंगल के दिन जो मैच होगा वो पाकिस्तान का मुकाबला होगा इंडिया के साथ, और जो जुमरात को मैच होगा उसमें मुकाबला होगा अपना देश का न्यूजीलैंड के साथ। सो ये मुकाबले तो मुकम्मल तौर पर तय हैं। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे मुकाबलों की, जो कि फिफ्थ पोजीशन या सिक्स पोजीशन के लिए खेले जाते हैं, ख़ासकर फिफ्थ पोजीशन के लिए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए एक और मैच भी हुआ था साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ का, जिसमें साउथ अफ्रीका हार चुकी थी और वेस्ट इंडीज़ जीती थी, फाइनल में पहुंची थी फिफ्थ पोजीशन के लिए, और आज ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का मैच होगा। ये वो टीमें हैं जो क्वार्टर फाइनल में तो गई थी लेकिन सेमीफाइनल तक रसाई हासिल नहीं कर पाई थी। तो अगर आप अपनी फेवरेट टीम को वोट करना चाहते हैं तो उसका तरीका आपके सामने है। अगर आप अफगानिस्तान की टीम को वोट करना चाहते हैं तो आपने वीडियो को लाइक करना होगा, और अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम को वोट करना चाहते हैं आप, तो आपने चैट बॉक्स में AUS या ऑस्ट्रेलिया लिखना होगा। तो बहुत सिंपल है। और ये वोटिंग सिस्टम क्यों किया जाता है, ताकि आप अपनी फेवरेट टीम को वोट करें, आपकी फेवरेट टीम को दुआ जाए, और जितनी ज़्यादा दुआएं होंगी आपकी अपनी फेवरेट टीम को, जितने ज़्यादा वोट होंगे उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं उस टीम के जीतने के लिए। अफगानिस्तान की टीम काफ़ी स्ट्रगलिंग टीम है, स्ट्रगल करते हुए आगे आई है, और बिल्कुल जिसे आप कहते हैं कि ज़ीरो से उठकर ऊपर आना, तो उसकी मिसाल अफगानिस्तान की टीम है। मुकम्मल तौर पर ज़ीरो से उठकर आगे आई और कमाल कर दिखाया उसने, और इंग्लैंड जैसी टीम को बाहर कर दिया और श्रीलंका जैसी टीम को क्वार्टर फाइनल से बाहर कर दिया। तो बहुत बड़ी बात है कि अफगानिस्तान की टीम ने बड़ी बड़ी टीमों को बाहर कर दिया। एक वक्त था जब अफगानिस्तान की टीम को एसोसिएट टीम कहा जाता था, और कहा जाता था कि वो टॉप 10 में भी आना काफ़ी मुश्किल, लेकिन अब वो टॉप 8 में आ रहे हैं। और अब अगर ये मैच ऑस्ट्रेलिया से अफगानिस्तान की टीम जीत जाती है तो वो फाइनल खेलेगी वेस्ट इंडीज़ के साथ फिफ्थ पोजीशन के लिए, और फिफ्थ पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। जब आप सेमीफाइनल्स की जो टॉप 4 टीमें हैं उससे ऊपर जब आप होते हैं, तो पहली टीम फिफ्थ पोजीशन की, वो क्वार्टर फाइनल की, वो अफगानिस्तान की होगी, और क्या पता आप अगले वर्ल्ड कप में मज़ीद इम्प्रूव कर जाएं। तो रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है ICC के इवेंट्स में। रैंकिंग से ही डिफाइन होता है कि आपने इस पूरे टूर्नामेंट में कैसी परफॉर्मेंस की है, और उस परफॉर्मेंस की बेस पर आपकी कौन सी रैंकिंग आई है। तो इस वक्त जारी है मैच ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का, और इस मैच में अगर आप वोट करना चाहते हैं अफगानिस्तान की टीम को,
तो आपने फौरी तौर पर वीडियो को लाइक करना होगा। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की टीम को वोट करना चाहते हैं तो आपने चैट बॉक्स में AUS यानी ऑस्ट्रेलिया लिखना होगा, तो आपका वोट ऑटोमेटिकली ऑस्ट्रेलिया की टीम को चला जाएगा। सो अब ये आप पर है कि आप किस टीम को सपोर्ट करते हैं, किस टीम को वोट करते हैं। सो फौरी तौर पर वोट करें आप। जहाँ तक बात है अफगानिस्तान की किस्मत की, तो क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान ने उनकी किस्मत मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दी थी और बिल्कुल हिलने नहीं दिया था, और 199 रन पर सिमट गए थे अफगानिस्तान की टीम क्वार्टर फाइनल में, और पाकिस्तानी टीम ने ये स्कोर बआसानी चेस किया था। हालांकि देखा जाए तो अफगानिस्तान की टीम ने ग्रुप स्टेजेस में अपने सारे मैचेस जीते थे अपने स्पिन अटैक की वजह से, कि वो 230 240 बना लेते थे और फिर उनका स्पिन अटैक मुकम्मल तौर पर तबाह कर देता था अपोनेंट टीम को। लेकिन पाकिस्तान ने चूँकि 200 से ऊपर इनको बनाने नहीं दिया, 190 से भी नीचे रखा, तो पाकिस्तान के पास चांसेस बढ़ गए इनको जेर करने के, और पाकिस्तान ने इनको मुकम्मल तौर पर जेर कर दिया। इससे पहले भी जब नेशनल टीमों की बात करें पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, तो उसमें भी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने इनको हराया था। तो क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान से हारने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया के साथ ये फिफ्थ पोजीशन के लिए अफगानिस्तान की टीम खेल रही है। स्ट्रगलिंग टीम है, मेहनत करके आई है, मेरिट पर आई है और मेरिट पर खेल रही है, क्वार्टर फाइनल तक रसाई हासिल की। अब उसके बाद अगर इसको पांचवी या छठी पोजीशन मिल जाती है तो मैं समझता हूँ ICC वर्ल्ड में ये पैसा वसूल बात होगी। जितने भी नए फ्रेंड्स, नए साथी, नए दोस्त, नए भाई हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूँ, अगर वोटिंग सिस्टम करना चाहते हैं, अगर आप वोट करना चाहते हैं अपनी फेवरेट टीम को, तो बहुत ही आसान है वोट करना। अगर आपने अफगानिस्तान को वोट करना है तो आपने वीडियो को लाइक करना होगा, और अगर आपने ऑस्ट्रेलिया को वोट करना है तो चैट बॉक्स में आके AUS ऑस्ट्रेलिया लिखना होगा, आपका वोट ऑटोमेटिकली ऑस्ट्रेलिया को भी चला जाएगा। अभी आप पर है कि आप किसको वोट करते हैं। अफगानिस्तान अंडर 19 का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के साथ जारी है। अफगानिस्तान अंडर 19 ने आज टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है। देखना ये होगा कि यह मैच आगे कैसे बढ़ता है, और ऑस्ट्रेलिया क्या इसको जीत पाता है या नहीं, या फिर अफगानिस्तान जीत पाता है। जो भी नए फ्रेंड्स, नए दोस्त, नए भाई हमारे साथ जुड़े हैं फौरी तौर पर वीडियो को लाइक करें अगर वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान की टीम जीत जाए, और वरन आप चैट बॉक्स में AUS यानी ऑस्ट्रेलिया लिख सकते हैं अगर आप चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत। तो ये आप पर है कि आप किस टीम को वोट करना चाहते हैं, किस टीम को नहीं वोट करना चाहते। तो अगर आप एशियाई टीम को वोट करना चाहते हैं, अफगानिस्तान की टीम को वोट करना चाहते हैं, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर आप ऑस्ट्रेलिया को वोट करना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में AUS या ऑस्ट्रेलिया लिखेंगे। तो ये आप पर है किस टीम को वोट करना चाहते हैं। ये मैच फिफ्थ पोजीशन के लिए, क्योंकि क्वार्टर फाइनल के मरहले ख़त्म हो चुके हैं, सेमीफाइनल में चार टीमें ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी हैं, जिनके मैचेस मंगल और जुमरात के दिन बिलतरतीब खेले जाएंगे। मंगल के दिन जो मैच होगा वो पाकिस्तान का मुकाबला होगा इंडिया के साथ, और जो जुमरात को मैच होगा उसमें मुकाबला होगा बांग्लादेश का न्यूज़ीलैंड के साथ। सो ये मुकाबले तो मुकम्मल तौर पर तय हैं। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे मुकाबलों की, जो कि फिफ्थ पोजीशन या सिक्स पोजीशन के लिए खेले जाते हैं, ख़ासकर फिफ्थ पोजीशन के लिए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए एक और मैच भी हुआ था साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ का, जिसमें साउथ अफ्रीका हार चुकी थी और वेस्ट इंडीज़ जीती थी, फाइनल में पहुंची थी फिफ्थ पोजीशन के लिए, और आज ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का मैच होगा। ये वो टीमें हैं जो क्वार्टर फाइनल में तो गई थी लेकिन सेमीफाइनल तक रसाई हासिल नहीं कर पाई थी। तो अगर आप अपनी फेवरेट टीम को वोट करना चाहते हैं तो उसका तरीका आपके सामने है। अगर आप अफगानिस्तान की टीम को वोट करना चाहते हैं तो आपने वीडियो को लाइक करना होगा, और अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम को वोट करना चाहते हैं आप, तो आपने चैट बॉक्स में AUS या ऑस्ट्रेलिया लिखना होगा। तो बहुत सिंपल है। और ये वोटिंग सिस्टम क्यों किया जाता है, ताकि आप अपनी फेवरेट टीम को वोट करें, आपकी फेवरेट टीम को दुआ जाए, और जितनी ज़्यादा दुआएं होंगी आपकी अपनी फेवरेट टीम को, जितने ज़्यादा वोट होंगे उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं उस टीम के जीतने के लिए। अफगानिस्तान की टीम काफ़ी स्ट्रगलिंग टीम है, स्ट्रगल करते हुए आगे आई है, और बिल्कुल जिसे आप कहते हैं कि ज़ीरो से उठकर ऊपर आना, तो उसकी मिसाल अफगानिस्तान की टीम है। मुकम्मल तौर पर ज़ीरो से उठकर आगे आई और कमाल कर दिखाया उसने, और इंग्लैंड जैसी टीम को बाहर कर दिया और श्रीलंका जैसी टीम को क्वार्टर फाइनल से बाहर कर दिया। तो बहुत बड़ी बात है कि अफगानिस्तान की टीम ने बड़ी बड़ी टीमों को बाहर कर दिया। एक वक्त था जब अफगानिस्तान की टीम को एसोसिएट टीम कहा जाता था, और कहा जाता था कि वो टॉप 10 में भी आना काफ़ी मुश्किल, लेकिन अब वो टॉप 8 में आ रहे हैं। और अब अगर ये मैच ऑस्ट्रेलिया से अफगानिस्तान की टीम जीत जाती है तो वो फाइनल खेलेगी वेस्ट इंडीज़ के साथ फिफ्थ पोजीशन के लिए, और फिफ्थ पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। जब आप सेमीफाइनल्स की जो टॉप 4 टीमें हैं उससे ऊपर जब आप होते हैं, तो पहली टीम फिफ्थ पोजीशन की, वो क्वार्टर फाइनल की, वो अफगानिस्तान की होगी, और क्या पता आप अगले वर्ल्ड कप में मज़ीद इम्प्रूव कर जाएं। तो रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है ICC के इवेंट्स में। रैंकिंग से ही डिफाइन होता है कि आपने इस पूरे टूर्नामेंट में कैसी परफॉर्मेंस की है, और उस परफॉर्मेंस की बेस पर आपकी कौन सी रैंकिंग आई है। तो इस वक्त जारी है,
मैच ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का, और इस मैच में अगर आप वोट करना चाहते हैं अफगानिस्तान की टीम को तो आपने फौरी तौर पर वीडियो को लाइक करना होगा। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की टीम को वोट करना चाहते हैं तो आपने चैट बॉक्स में AUS यानी ऑस्ट्रेलिया लिखना होगा, तो आपका वोट ऑटोमेटिकली ऑस्ट्रेलिया की टीम को चला जाएगा। सो अब ये आप पर है कि आप किस टीम को सपोर्ट करते हैं, किस टीम को वोट करते हैं। सो फौरी तौर पर वोट करें आप। जहाँ तक बात है अफगानिस्तान की किस्मत की, तो क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान ने उनकी किस्मत मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दी थी और बिल्कुल हिलने नहीं दिया था, और 199 रन पर सिमट गए थे अफगानिस्तान की टीम क्वार्टर फाइनल में, और पाकिस्तानी टीम ने ये स्कोर बआसानी चेज़ किया था। हालांकि देखा जाए तो अफगानिस्तान की टीम ने ग्रुप स्टेजेस में अपने सारे मैचेस जीते थे अपने स्पिन अटैक की वजह से, कि वो 230 240 बना लेते थे और फिर उनका स्पिन अटैक मुकम्मल तौर पर तबाह कर देता था अपोनेंट टीम को। लेकिन पाकिस्तान ने चूँकि 200 से ऊपर इनको बनाने नहीं दिया, 190 किससे भी नीचे रखा, तो पाकिस्तान के पास चांसेस बढ़ गए इनको जेर करने के, और पाकिस्तान ने इनको मुकम्मल तौर पर जेर कर दिया। इससे पहले भी जब नेशनल टीमों की बात करें पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, तो उसमें भी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने इनको हराया था। तो क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान से हारने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया के साथ ये फिफ्थ पोजीशन के लिए अफगानिस्तान की टीम खेल रही है। स्ट्रगलिंग टीम है, मेहनत करके आई है, मेरिट पर आई है और मेरिट पर खेल रही है, क्वार्टर फाइनल तक रसाई हासिल की। अब उसके बाद अगर इसको पाँचवीं या छठी पोजीशन मिल जाती है तो मैं समझता हूँ ICC वर्ल्ड में ये पैसा वसूल बात होगी। जितने भी नए फ्रेंड्स, नए साथी, नए दोस्त, नए भाई हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हें मैं बता दूँ अगर वोटिंग सिस्टम करना चाहते हैं, अगर आप वोट करना चाहते हैं अपनी फेवरेट टीम को, तो बहुत ही आसान है वोट करना। अगर आपने अफगानिस्तान को वोट करना है तो आपने वीडियो को लाइक करना होगा, और अगर आपने ऑस्ट्रेलिया को वोट करना है तो चैट बॉक्स में आके AUS ऑस्ट्रेलिया लिखना होगा, आपका वोट ऑटोमेटिकली ऑस्ट्रेलिया को भी चला जाएगा। अभी आप पर है कि आप किसको वोट करते हैं। अफगानिस्तान अंडर 19 का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के साथ जारी है। अफगानिस्तान अंडर 19 ने आज टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है। देखना ये होगा कि ये मैच आगे कैसे बढ़ता है और ऑस्ट्रेलिया क्या इसको जीत पाता है या नहीं, या फिर अफगानिस्तान जीत पाता है। जो भी नए फ्रेंड्स, नए दोस्त, नए भाई हमारे साथ जुड़े हैं फौरी तौर पर वीडियो को लाइक करें अगर वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान की टीम जीत जाए, और वरन आप चैट बॉक्स में AUS यानी ऑस्ट्रेलिया लिख सकते हैं अगर आप चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत। तो ये आप पर है कि आप किस टीम को वोट करना चाहते हैं, किस टीम को नहीं वोट करना चाहते। तो अगर आप एशियाई टीम को वोट करना चाहते हैं, अफगानिस्तान की टीम को वोट करना चाहते हैं, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर आप ऑस्ट्रेलिया को वोट करना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में AUS या ऑस्ट्रेलिया लिखेंगे। तो ये आप पर है किस टीम को वोट करना चाहते हैं। ये मैच फिफ्थ पोजीशन के लिए, क्योंकि क्वार्टर फाइनल के मरहले ख़त्म हो चुके हैं, सेमीफाइनल में चार टीमें ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी हैं, जिनके मैचेस मंगल और जुमरात के दिन बिलतरतीब खेले जाएंगे। मंगल के दिन जो मैच होगा वो पाकिस्तान का मुकाबला होगा इंडिया के साथ, और जो जुमरात को मैच होगा उसमें मुकाबला होगा अपना देश का न्यूज़ीलैंड के साथ। सो ये मुकाबले तो मुकम्मल तौर पर तय हैं। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे मुकाबलों की, जो कि फिफ्थ पोजीशन या सिक्स पोजीशन के लिए खेले जाते हैं, ख़ासकर फिफ्थ पोजीशन के लिए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए एक और मैच भी हुआ था साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ का, जिसमें साउथ अफ्रीका हार चुकी थी और वेस्ट इंडीज़ जीती थी, फाइनल में पहुंची थी फिफ्थ पोजीशन के लिए, और आज ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का मैच होगा। ये वो टीमें हैं जो क्वार्टर फाइनल में तो गई थी लेकिन सेमीफाइनल तक रसाई हासिल नहीं कर पाई थी। तो अगर आप अपनी फेवरेट टीम को वोट करना चाहते हैं तो उसका तरीका आपके सामने है। अगर आप अफगानिस्तान की टीम को वोट करना चाहते हैं तो आपने वीडियो को लाइक करना होगा, और अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम को वोट करना चाहते हैं आप, तो आपने चैट बॉक्स में AUS या ऑस्ट्रेलिया लिखना होगा। तो बहुत सिंपल है। और ये वोटिंग सिस्टम क्यों किया जाता है, ताकि आप अपनी फेवरेट टीम को वोट करें, आपकी फेवरेट टीम को दुआ जाए, और जितनी ज़्यादा दुआएं होंगी आपकी अपनी फेवरेट टीम को, जितने ज़्यादा वोट होंगे उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं उस टीम के जीतने के लिए। अफगानिस्तान की टीम काफ़ी स्ट्रगलिंग टीम है, स्ट्रगल करते हुए आगे आई है, और बिल्कुल जिसे आप कहते हैं कि ज़ीरो से उठकर ऊपर आना, तो उसकी मिसाल अफगानिस्तान की टीम है। मुकम्मल तौर पर ज़ीरो से उठकर आगे आई और कमाल कर दिखाया उसने, और इंग्लैंड जैसी टीम को बाहर कर दिया और श्रीलंका जैसी टीम को क्वार्टर फाइनल से बाहर कर दिया। तो बहुत बड़ी बात है कि अफगानिस्तान की टीम ने बड़ी बड़ी टीमों को बाहर कर दिया। एक वक्त था जब अफगानिस्तान की टीम को एसोसिएट टीम कहा जाता था, और कहा जाता था कि वो टॉप 10 में भी आना काफ़ी मुश्किल, लेकिन अब वो टॉप 8 में आ रहे हैं। और अब अगर ये मैच ऑस्ट्रेलिया से अफगानिस्तान की टीम जीत जाती है तो वो फाइनल खेलेगी वेस्ट इंडीज़ के साथ फिफ्थ पोजीशन के लिए, और फिफ्थ पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। जब आप सेमीफाइनल्स की जो टॉप 4 टीमें हैं उससे ऊपर जब आप होते हैं, तो पहली टीम फिफ्थ पोजीशन की, वो क्वार्टर फाइनल की, वो अफगानिस्तान की होगी, और क्या पता आप अगले वर्ल्ड कप में मज़ीद इम्प्रूव कर जाएं। तो रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है ICC के इवेंट्स में,
रैंकिंग से ही डिफाइन होता है कि आपने इस पूरे टूर्नामेंट में कैसी परफॉर्मेंस की है और उस परफॉर्मेंस की बेस पर आपकी कौन सी रैंकिंग आई है। तो इस वक्त जारी है मैच ऑस्ट्रेलिया और अफ़गानिस्तान का, और इस मैच में अगर आप वोट करना चाहते हैं अफ़गानिस्तान की टीम को तो आपने फ़ौरी तौर पर वीडियो को लाइक करना होगा। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की टीम को वोट करना चाहते हैं तो आपने चैट बॉक्स में AUS यानी ऑस्ट्रेलिया लिखना होगा, तो आपका वोट ऑटोमेटिकली ऑस्ट्रेलिया की टीम को चला जाएगा। सो अब ये आप पर है कि आप किस टीम को सपोर्ट करते हैं, किस टीम को वोट करते हैं। सो फ़ौरी तौर पर वोट करें आप। जहाँ तक बात है अफ़गानिस्तान की किस्मत की, तो क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान ने उनकी किस्मत मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दी थी और बिल्कुल हिलने नहीं दिया था, और 199 रन पर सिमट गए थे अफगानिस्तान की टीम क्वार्टर फाइनल में, और पाकिस्तानी टीम ने ये स्कोर बआसानी चेस किया था। हालांकि देखा जाए तो अफगानिस्तान की टीम ने ग्रुप स्टेजेस में अपने सारे मैचेस जीते थे अपने स्पिन अटैक की वजह से, कि वो 230-240 बना लेते थे और फिर उनका स्पिन अटैक मुकम्मल तौर पर तबाह कर देता था अपोनेंट टीम को। लेकिन पाकिस्तान ने चूँकि 200 से ऊपर इनको बनाने नहीं दिया, 190 किससे भी नीचे रखा, तो पाकिस्तान के पास चांसेस बढ़ गए इनको जेर करने के, और पाकिस्तान ने इनको मुकम्मल तौर पर जेर कर दिया। इससे पहले भी जब नेशनल टीमों की बात करें पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, तो उसमें भी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने इनको हराया था। तो क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान से हारने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया के साथ ये फिफ्थ पोजीशन के लिए अफगानिस्तान की टीम खेल रही है। स्ट्रगलिंग टीम है, मेहनत करके आई है, मेरिट पर आई है और मेरिट पर खेल रही है, क्वार्टर फाइनल तक रसाई हासिल की। अब उसके बाद अगर इसको पांचवी या छठी पोजीशन मिल जाती है तो मैं समझता हूँ ICC वर्ल्ड में ये पैसा वसूल बात होगी। जितने भी नए फ्रेंड्स, नए साथी, नए दोस्त, नए भाई हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं, अगर वोटिंग सिस्टम करना चाहते हैं, अगर आप वोट करना चाहते हैं अपनी फेवरेट टीम को, तो बहुत ही आसान है वोट करना। अगर आपने अफगानिस्तान को वोट करना है तो आपने वीडियो को लाइक करना होगा, और अगर आपने ऑस्ट्रेलिया को वोट करना है तो चैट बॉक्स में आके AUS ऑस्ट्रेलिया लिखना होगा, आपका वोट ऑटोमेटिकली ऑस्ट्रेलिया को भी चला जाएगा। अभी आप पर है कि आप किसको वोट करते हैं। अफगानिस्तान अंडर 19 का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के साथ जारी है। अफगानिस्तान अंडर 19 ने आज टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है। देखना ये होगा कि ये मैच आगे कैसे बढ़ता है, और ऑस्ट्रेलिया क्या इसको जीत पाता है या नहीं, या फिर अफगानिस्तान जीत पाता है। जो भी नए फ्रेंड्स, नए दोस्त, नए भाई हमारे साथ जुड़े हैं फौरी तौर पर वीडियो को लाइक करें अगर वो चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान की टीम जीत जाए, और वरन आप चैट बॉक्स में AUS यानी ऑस्ट्रेलिया लिख सकते हैं अगर आप चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम जाए। तो ये आप पर है कि आप किस टीम को वोट करना चाहते हैं, किस टीम को नहीं वोट करना चाहते। तो अगर आप एशियाई टीम को वोट करना चाहते हैं, अफ़गानिस्तान की टीम को वोट करना चाहते हैं, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर आप ऑस्ट्रेलिया को वोट करना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में AUS या ऑस्ट्रेलिया लिखेंगे। तो ये आप पर है किस टीम को वोट करना चाहते हैं। ये मैच फिफ्थ पोजीशन के लिए, क्योंकि क्वार्टर फाइनल के मरहले ख़त्म हो चुके हैं, सेमीफाइनल में चार टीमें ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी हैं, जिनके मैचेस मंगल और जुमरात के दिन बिलतरतीब खेले जाएंगे। मंगल के दिन जो मैच होगा वो पाकिस्तान का मुकाबला होगा इंडिया के साथ, और जो जुमरात को मैच होगा उसमें मुकाबला होगा अपना देश का न्यूज़ीलैंड के साथ। सो ये मुकाबले तो मुकम्मल तौर पर तय हैं, लेकिन अगर हम बात करें दूसरे मुकाबलों की जो कि फिफ्थ पोजीशन या सिक्स पोजीशन के लिए खेले जाते हैं, ख़ासकर फिफ्थ पोजीशन के लिए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए एक और मैच भी हुआ था साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ का, जिसमें साउथ अफ्रीका हार चुकी थी और वेस्ट इंडीज़ जीती थी, फाइनल में पहुंची थी फिफ्थ पोजीशन के लिए, और आज ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का मैच होगा। ये वो टीमें हैं जो क्वार्टर फाइनल में तो गई थी लेकिन सेमीफाइनल तक रसाई हासिल नहीं कर पाई थी। तो अगर आप अपनी फेवरेट टीम को वोट करना चाहते हैं तो उसका तरीका आपके सामने है। अगर आप अफगानिस्तान की टीम को वोट करना चाहते हैं तो आपने वीडियो को लाइक करना होगा, और अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम को वोट करना चाहते हैं आप, तो आपने चैट बॉक्स में AUS या ऑस्ट्रेलिया लिखना होगा। तो बहुत सिंपल है, और ये वोटिंग सिस्टम क्यों किया जाता है, ताकि आप अपनी फेवरेट टीम को वोट करें, आपकी फेवरेट टीम को दुआ जाए, और जितनी ज़्यादा दुआएं होंगी आपकी अपनी फेवरेट टीम को, जितने ज़्यादा वोट होंगे उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं उस टीम के जीतने के लिए। अफगानिस्तान की टीम काफ़ी स्ट्रगलिंग टीम है, स्ट्रगल करते हुए आगे आई है, और बिल्कुल जिसे आप कहते हैं कि ज़ीरो से उठकर ऊपर आना, तो उसकी मिसाल अफ़गानिस्तान की टीम है। मुकम्मल तौर पर ज़ीरो से उठकर आगे आई और कमाल कर दिखाया उसने, और इंग्लैंड जैसी टीम को बाहर कर दिया और श्रीलंका जैसी टीम को क्वार्टर फाइनल से बाहर कर दिया। तो बहुत बड़ी बात है कि अफ़गानिस्तान की टीम ने बड़ी बड़ी टीमों को बाहर कर दिया। एक वक्त था जब अफ़गानिस्तान की टीम को एसोसिएट टीम कहा जाता था, और कहा जाता था कि वो टॉप 10 में भी आना काफ़ी मुश्किल, लेकिन अब वो टॉप 8 में आ रहे हैं, और अब अगर ये मैच ऑस्ट्रेलिया से अफ़गानिस्तान की टीम जीत जाती है तो वो फाइनल खेलेगी वेस्ट इंडीज़ के साथ फिफ्थ पोजीशन के लिए, और फिफ्थ पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। जब आप
سیمی فائنلز کی جو ٹاپ فور ٹیمیں ہیں اس سے اوپر جب آپ ہوتے ہیں تو پہلی پہلی ٹیم ففتھ پوزیشن کی وہ کوارٹر فائنل کی وہ افغانستان کی ہوگی, اور کیا پتا آپ اگلے ورلڈ کپ میں مزید امپروو کر جائیں. تو رینکنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے آئی سی سی کے ایونٹس میں, رینکنگ سے ہی ڈیفائن ہوتا ہے کہ آپ نے اس پورے ٹورنامنٹ میں کیسی پرفارمنس کی ہے اور اس پرفارمنس کی بیس پر آپ کی کون سی رینکنگ آئی ہے. تو اس وقت جاری ہے میچ آسٹریلیا اور افغانستان کا, اور اس میچ میں اگر آپ ووٹ کرنا چاہتے ہیں افغانستان کی ٹیم کو تو آپ نے فوری طور پر ویڈیو کو لائک کرنا ہوگا. اگر آپ آسٹریلیا کی ٹیم کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے چیٹ باکس میں اے یو ایس یعنی آسٹریلیا لکھنا ہوگا, تو آپ کا ووٹ آٹومیٹکلی آسٹریلیا کی ٹیم کو چلا جائے گا. سو اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کس ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں, کس ٹیم کو ووٹ کرتے ہیں. سو فوری طور پر ووٹ کریں آپ. جہاں تک بات ہے افغانستان کی قسمت کی, تو کوارٹر فائنل میں پاکستان نے ان کی قسمت مکمل طور پر تبدیل کر دی تھی اور بالکل ہلنے نہیں دیا تھا, اور 199 رن پر سمٹ گئے تھے افغانستان کی ٹیم کوارٹر فائنل میں, اور پاکستانی ٹیم نے یہ اسکور بآسانی چیز کیا تھا. حالانکہ دیکھا جائے تو افغانستان کی ٹیم نے گروپ اسٹیجز میں اپنے سارے میچز جیتے تھے اپنی اسپن اٹیک کی وجہ سے, کہ وہ 230-240 بنا لیتے تھے اور پھر ان کا اسپن اٹیک مکمل طور پر تباہ کر دیتے تھا اپوننٹ ٹیم کو. لیکن پاکستان نے چونکہ 200 سے اوپر ان کو بنانے نہیں دیا, 190 کسی بھی نیچے رکھا, تو پاکستان کے پاس چانسز بڑھ گئے ان کو زیر کرنے کے, اور پاکستان نے ان کو مکمل طور پر زیر کر دیا. اس سے پہلے بھی جب نیشنل ٹیموں کی بات کریں پاکستان اور افغانستان کی, تو اس میں بھی ورلڈ کپ میں پاکستان نے ان کو ہرایا تھا. تو کوارٹر فائنل میں پاکستان سے ہارنے کے بعد اب آسٹریلیا کے ساتھ یہ ففتھ پوزیشن کے لیے افغانستان کی ٹیم کھیل رہی ہے. اسٹرگلنگ ٹیم ہے, محنت کر کے آئی ہے, میرٹ پر آئی ہے اور میرٹ پر کھیل رہی ہے, کوارٹر فائنل تک رسائی حاصل کی. اب اس کے بعد اگر اس کو پانچویں یا چھٹی پوزیشن مل جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں آئی سی سی ورلڈ میں یہ پیسہ وصول بات ہوگی. جتنے بھی نئے فرینڈز, نئے ساتھی, نئے دوست, نئے بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہیں, انہیں میں بتا دوں اگر ووٹنگ سسٹم کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ ووٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی فیوریٹ ٹیم کو, تو بہت ہی آسان ہے ووٹ کرنا. اگر آپ نے افغانستان کو ووٹ کرنا ہے تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہوگا, اور اگر آپ نے آسٹریلیا کو ووٹ کرنا ہے تو چیٹ باکس میں آ کے اے یو ایس یا آسٹریلیا لکھنا ہوگا, آپ کا ووٹ آٹومیٹکلی آسٹریلیا کو بھی چلا جائے گا. ابھی آپ پر ہے کہ آپ کس کو ووٹ کرتے ہیں. افغانستان انڈر 19 کا مقابلہ آسٹریلیا انڈر 19 کے ساتھ جاری ہے. افغانستان انڈر 19 نے آج ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے. دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ میچ آگے کیسے بڑھتا ہے, اور آسٹریلیا کیا اس کو جیت پاتا ہے یا نہیں, یا پھر افغانستان جیت پاتا ہے. جو بھی نئے فرینڈز, نئے دوست, نئے بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہیں, فوری طور پر ویڈیو کو لائک کریں اگر وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کی ٹیم جیت جائے, اور فوراً آپ چیٹ باکس میں اے یو ایس یعنی آسٹریلیا لکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں آسٹریلیا کی ٹیم جائے. تو یہ آپ پر ہے کہ آپ کس ٹیم کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں, کس ٹیم کو نہیں ووٹ کرنا چاہتے. تو اگر آپ ایشیائی ٹیم کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں, افغانستان کی ٹیم کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ ویڈیو کو لائک کریں گے, اور اگر آپ آسٹریلیا کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں تو چیٹ باکس میں اے یو ایس یا آسٹریلیا لکھیں گے. تو یہ آپ پر ہے کس ٹیم کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ میچ ففتھ پوزیشن کے لیے, کیونکہ کوارٹر فائنل کے مرحلے ختم ہو چکے ہیں, سیمی فائنل میں چار ٹیمیں آلریڈی ڈیسائڈ ہو چکی ہیں جن کے میچز منگل اور جمعرات کے دن بالترتیب کھیلے جائیں گے. منگل کے دن جو میچ ہوگا وہ پاکستان کا مقابلہ ہوگا انڈیا کے ساتھ, اور جو جمعرات کو میچ ہوگا اس میں مقابلہ ہوگا اپنا دیش کا نیوزی لینڈ کے ساتھ. سو یہ مقابلے تو مکمل طور پر طے ہیں, لیکن اگر ہم بات کریں دوسرے مقابلوں کی جو کہ ففتھ پوزیشن یا سکس پوزیشن کے لیے کھیلے جاتے ہیں, خاص کر ففتھ پوزیشن کے لیے, اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے ایک اور میچ بھی ہوا تھا ساؤتھ افریقہ اور ویسٹ انڈیز کا, جس میں ساؤتھ افریقہ ہار چکی تھی اور ویسٹ انڈیز جیتی تھی, فائنل میں پہنچی تھی ففتھ پوزیشن کے لیے. اور آج آسٹریلیا اور افغانستان کا میچ ہوگا. یہ وہ ٹیمیں ہیں جو کوارٹر فائنل میں تو گئی تھی لیکن سیمی فائنل تک رسائی حاصل نہیں کر پائی تھی. تو اگر آپ اپنی فیوریٹ ٹیم کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ آپ کے سامنے ہے. اگر آپ افغانستان کی ٹیم کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہوگا, اور اگر آسٹریلیا کی ٹیم کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں آپ, تو آپ نے چیٹ باکس میں اے یو ایس یا آسٹریلیا لکھنا ہوگا. تو بہت سمپل ہے. اور یہ ووٹنگ سسٹم کیوں کیا جاتا ہے, تاکہ آپ اپنی فیوریٹ ٹیم کو ووٹ کریں, آپ کی فیوریٹ ٹیم کو دعا جائے, اور جتنی زیادہ دعائیں ہوں گی آپ کی اپنی فیوریٹ ٹیم کو جتنے زیادہ ووٹ ہوں گے اتنے زیادہ چانسز ہوتے ہیں اس ٹیم کے جیتنے کے لیے. افغانستان کی ٹیم کافی اسٹرگلنگ ٹیم ہے, اسٹرگل کرتے ہوئے آگے آئی ہے, اور بالکل جسے آپ کہتے ہیں کہ زیرو سے اٹھ کر اوپر آنا, تو اس کی مثال افغانستان کی ٹیم ہے.
مکمل طور پر زیرو سے اٹھ کر آگے آئی اور کمال کر دکھایا اس نے، اور انگلینڈ جیسی ٹیم کو باہر کر دیا اور سری لنکا جیسی ٹیم کو کوارٹر فائنل سے باہر کر دیا، تو بہت بڑی بات ہے کہ افغانستان کی ٹیم نے بڑی بڑی ٹیموں کو باہر کر دیا. ایک وقت تھا جب افغانستان کی ٹیم کو ایسوسی ایٹ ٹیم کہا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ وہ ٹاپ ٹین میں بھی آنا کافی مشکل، لیکن اب وہ ٹاپ ایٹ میں آ رہے ہیں. اور اب اگر یہ میچ آسٹریلیا سے افغانستان کی ٹیم جیت جاتی ہے تو وہ فائنل کھیلے گی ویسٹ انڈیز کے ساتھ ففتھ پوزیشن کے لیے، اور ففتھ پوزیشن بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہے. جب آپ سیمی فائنلز کی جو ٹاپ فور ٹیمیں ہیں اس سے اوپر جب آپ ہوتے ہیں تو پہلی ٹیم ففتھ پوزیشن کی وہ کوارٹر فائنل کی وہ افغانستان کی ہوگی، اور کیا پتہ آپ اگلے ورلڈ کپ میں مزید امپروو کر جائیں. تو رینکنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے آئی سی سی کے ایونٹس میں، رینکنگ سے ہی ڈیفائن ہوتا ہے کہ آپ نے اس پورے ٹورنامنٹ میں کیسی پرفارمنس کی ہے اور اس پرفارمنس کی بیس پر آپ کی کون سی رینکنگ آئی ہے. تو اس وقت جاری ہے میچ آسٹریلیا اور افغانستان کا، اور اس میچ